सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, ये वीडियो होने जा रहा है सुंदरबन का ट्रिप के बारे में। ये वीडियो में हम लोग कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉजिटिव भी बात करेंगे। सो वीडियो को आप एकदम भी स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि बाद में आपको समझ भी नहीं आएगा, फिर से दोबारा से बैक करके देखना पड़ेगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपका जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे टोटल 5 पॉइंट के बारे में, और ये 5 पॉइंट में डिस्कस करने के बाद जो है आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। मैं जो मेरा एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा अबाउट सुंदरबन ट्रिप, ये टोटली मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा जो सुंदरबन ट्रिप था वो था टोटली पेड, देयर वाज नो स्पॉन्सरशिप एंड ऑल। सो या आई एम गोइंग टू शेयर माय ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस विथ यू। टोटल 5 पॉइंट रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फूड। अगर आप लोग इस सीज़न में या कभी भी सुंदरबन जा रहे हैं तो आप लोगों को जो है अलग अलग वीडियोस पे दिखेगा कि मेन जो है वहाँ का अट्रैक्शन फूड है। वहाँ का जो लोकल एरिया है ना, वहाँ पे बहुत मतलब तरह तरह का फिश वगैरह वहाँ पे मिलता है। सो इसी वजह से जो है फूड को लेके बहुत बहुत क्रेज़ है सुंदरबन ट्रिप में। सो इस पॉइंट को मैंने सबसे आगे रखा। सो फूड में जो है 3 चीज़ों का मैं बात करूँगा, क्वालिटी, क्वान्टिटी एंड टेस्ट। सो क्वालिटी में अगर मैं जाऊँ तो ठीक ठाक था, ठीक ठाक था, उन लोग जो है हाइजीनिक वे में खाना वगैरह बनाया था, इट वाज गुड। क्वांटिटी में अगर मैं जाऊँगा सो जो ब्रेकफास्ट था वो था अनलिमिटेड, पूरी और सब्जी देता है। फर्स्ट डे को आपको गुलाब जामुन देता है, सेकंड डे से गुलाब जामुन कट जाता है, वो जो आपका पैकेज है वो। और थर्ड में अगर बात करूँ टेस्ट का, सो टेस्ट में मैं ना टेस्ट में खाना का मैं 3 दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि टेस्ट नहीं है खाने में अभी जो है, मुझे तो नहीं लगा। और मोस्ट ऑफ द जो जितने भी लोग हैं, मैंने आते दिन जो है ना थर्ड डे को मेरा वीडियो पे मैंने बहुत लोगों से फीडबैक लिया था, उन लोगों ने भी सेम ही बात किया। सो ऐसा कुछ है खाने के बारे में। और खाने का जो मेन्यू रहता है वो मैं आप लोगों को एक बार बोल देता हूँ, लगभग हर एक टूर एजेंसी का सेम ही रहता है। सुबह को आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, उसका पहले आपको चाय और बिस्किट मिलेगा, उसके बाद आपको लंच मिलेगा, और लंच के बाद आफ्टरनून को आपको कोई फल मिलेगा, जैसे कि आपका गुआवा हो गया, कोई भी फल ऐसा कुछ मिलेगा, या तो आपको जो है फ्रेंच फ्राई वगैरह, आलू फ्राई वगैरह सब मिलेगा। और आपको जो है शाम को और एक चीज़ मिलता है, कभी कभी चाउमीन देता है फर्स्ट डे को, रात को खाना। सो खाने में है ना फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा है, खाने में आइटम्स ज़्यादा है, बट टेस्ट जो है, हम लोग मेन गए थे इलिश फेस्टिवल में, सुंदरबन इलिश फेस्टिवल 2022, इसमें हम लोग गए थे इलिश खाने एक्चुअली, तो उसका कोई टेस्ट नहीं लगा। सरसों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, कुछ ऐसा था। ठीक है, वो तो एक बात हो गया खाने का, ऐसा कुछ है। बोट पे जो है मतलब आसपास में वैसा कुछ नहीं है, जब बोट कोई आइलैंड में जाता है तभी जो है आप कुछ चीज़ खरीद पाएंगे, अदरवाइज़ तो बोट पे आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे आपका मन का हिसाब से। सो ऐसा है खाने का। सो चलिए अभी हम लोग जाते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो है साइट सीन, मेन पॉइंट। जो लोग नेचर एंथुसियास्टिक से फोटोग्राफर से, उन लोगों के लिए तो ये सब पॉइंट सबसे मेन है। जब आप लोग सुंदरबन ट्रिप बुक करेंगे ना, तो आप लोगों को, आप किसी के साथ भी फ़ोन में बात कीजिए, आपको बोलेगा कि आपका इस नंबर पे एक व्हाट्सएप में हाई कीजिए, आप हम लोग आप लोगों को डिटेल सेंड कर रहे हैं। सो वो जो आपको डिटेल सेंड करेगा उसमें रहेगा कहाँ कहाँ पे आप जाएंगे, क्या क्या खाएंगे। सो कहाँ कहाँ पे जाएंगे जो लिस्ट है वो बहुत ही आपको बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट देगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरा जो टूर एजेंसी था उसका मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ आपको, सेम है, हाँ 97% सबका ये फॉर्मेट सेम है। सो आप देखिए, फर्स्ट दिन बोला था केनिंग से, ये जो टूर है वो शुरू होता है केनिंग स्टेशन से, जो शियालदह से करीबन 1 घंटा 15-20 मिनट दूर है लोकल ट्रेन से, और केनिंग से शुरू होता है, केनिंग पे ख़त्म होता है। सब कुछ जितना भी खर्चा है सब कुछ इसमें ही इंक्लूडेड है, केनिंग से लेकर सोनाकली फेरी घर तक जाना, ऑटो का खर्चा, फिर बोट का, फिर आपका खाना पीना, होटल, सब कुछ उसमें ही इंक्लूडेड है। सो मेरा जो था फर्स्ट दिन को यहाँ पे लिखा है कि जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया था, फर्स्ट डे को जाएगा केनिंग, आपको मैं यहाँ पे भी इसको दिखा दूंगा। फर्स्ट डे को है केनिंग, फिर सोनाकली बोट, फिर आपका है गोशाबा। गोशाबा में 2 चीज़ आपको देखने में मिलेगा, आपको रविंद्रनाथ टैगोर का एक बंगलू मिलेगा जिसका नाम है बेकन बंगलू, और दूसरा एक चीज़ मिलेगा वो है आपका हैमिल्टन्स बंगलू, हैमिल्टन नाम का एक बिजनेसमैन था, पहले आया था, वो एक बंगलू बनाया था वो है। फिर आपको वहाँ से ले जाएगा पाखीरालोय बोल के एक आइलैंड है वहाँ पे, वहाँ पे मेनली सब कुछ मतलब जितना भी होटल है सब टूर एजेंसी वहाँ पे आपको लगेगा। सेकंड डे को यहाँ पे लिखा है सोजने खाली, फिर सुदर्नो खाली, फिर दोबा की, फिर साइट सीन करेगा पीर खाली, गाजी खाली, बोन बीबी बोरानी, बोन बीबी भरानी, देवली भरानी एंड बैक टू पाखीरालोय। थर्ड डे को है दयापुर, ज्योतिरामपुर, लोकल साइट सीन एंड बैक टू सोनाखाली। ये है आपका
घूमने का जितना भी जगह है, मतलब आप कहाँ कहाँ पे घूमेंगे वो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। इसमें कैच है, कैच ये है कि ये जितना भी जगह है ना, लिस्ट बहुत बड़ा है, सब जगह पे आप जाएंगे नहीं, मतलब आप पॉइंट ए से पॉइंट टू जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग पाकिजालो जहाँ पे जाके आप फर्स्ट डे रात को रुकेंगे, सेकेंडो को आप वहाँ से फर्स्ट जाएंगे सोजनेखाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। सो पाकिजालो से सोजनेखाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में जितना भी जगह का नाम आता है ना, उस जगह पे लॉन्च या बोट रुकता नहीं है, वो भी जगह का नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है, मतलब आसपास वाला गांव का नाम या तो आइलैंड का नाम वो भी ऐड है। इसलिए जो है ये लिस्ट थोड़ा लंबा है, इसको देख के कन्फ्यूज मत हो जाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ आप रियल में जाएंगे कहाँ पे, फर्स्ट डे को आप जाएंगे कोशाबा में, वहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेगा, दो बंगलो रविंद्रनाथ टैगोर का और हैमिल्टन का, बस उतना ही है। उसके बाद आप चले जाएंगे पाखीरालो में। सेकेंड जो है, सेकेंड डे को आप जाएंगे सोजनेखाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, उसमें आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा डियर्स, टर्टल कछुआ, और उसके बाद आपको मिलेगा वहाँ पे मगरमच्छ, मगरमच्छ भी आपको वहाँ पे दिख सकता है। और उसके बाद आपको वहाँ से लेके जाएगा दुबा की कैंप में। सो दुबा की कैंप जो है वो एक कुछ नहीं, एक कैनोपी वॉक है, आप जो एक छोटा सा आइलैंड है, आप आइलैंड का एक एंट्री पॉइंट से एंटर करेंगे, फिर आप पूरा आइलैंड कैसे घूम के दूसरा पॉइंट से आप एग्जिट करेंगे, उतना ही है। और दो साइड में पूरा फेंसिंग किया हुआ है, आपको वहाँ पे मिलेगा तरह तरह का, आपको वहाँ से देखने को मिलेगा डियर्स तो मिलेगा ही, फिर आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप का जो पेड़ पौधा होता है ना, उसका भी वहाँ पे नर्सरी वगैरह होता है, तो आपको अलग अलग पेड़ मिलेगा, लाल कलर का जो केकड़ा होता है वो आपको मिलेगा वहाँ पे देखने, तो वो सब है। और वहाँ पे एक वॉच टावर है, ठीक है, सोजनेखाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एक वॉच टावर है और दुबा के कैंप में भी वॉच टावर है। वॉच टावर से आसपास का आपको पूरा व्यू मिलता है, बट सब लोग तो उत्सुक था बाघ देखने के लिए, बट टाइगर किसी को नहीं मिला, ना कि हमें किसी को भी नहीं मिला बाघ देखने के लिए। वहाँ पे जो है एक स्वीट वाटर पॉन्ड है, मीठा पानी का तालाब, वहाँ पे जो है बाघ और डियर्स वगैरह वो सब पानी पीने आता है। इफ़ यू आर लकी देन आपको बाघ दिख सकता है, पर डियर्स जो है 90% आपको वहाँ पे दिखेगा। सो ऐसा होता है साइट सीन का। जो थर्ड चीज़ हम लोग बात करेंगे वो है होटल के बारे में। हाँ, होटल जो है वो आपको, वो लोग कोई भी टूर एजेंसी से आप जाए, 98% केसेस में आपको जो है पाखीजालो आइलैंड पे ही रखेगा। होटल सबका सब सेम ही है। मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, मेरा वाला होटल इट वॉज क्लीन, द बाथरूम, द रूम्स वेर स्पेशियस, गुड, ठीक ठाक, 4 out of 5 मैं होटल को रैंक दूंगा। होटल अच्छा है, कोई भी आप एजेंसी से जाए सेम रहता है। और होटल में जो खाना है वो आपको आपका टूर एजेंसी ही प्रोवाइड करेगा। होटल का जो किचन है, होटल का जो डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे आपको खाना मिलेगा। होटल का खाना नहीं मिलेगा, आपका जो बोट है, बोट पे खाना बनता है और वो टाइम टाइम पे होटल पे खाना आ जाता है। मतलब टाइम टाइम पे क्या, बस रात को, क्योंकि आप रात को ही आपका टाइम बस होटल में बिताएंगे, बाकी दिन में तो पूरा दिन आप बोट पे घूमेंगे सुबह से लेकर शाम तक। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वहाँ का मैनेजमेंट, या तो आप बोलिए जिसके साथ आप घूमने जा रहे हैं, टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर तो वहाँ पे बहुत सारा है, और टूरिस्ट का तो क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ही नंबर है। 365 days वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह रहता है। वो लोग चाहते हैं कि अपना सर्विसेज अच्छे से डिलीवर करें, बट है लोगों का कहीं पे जाने से तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंस रहता है ना। सो ऐसा ही है टूर एजेंसी का। मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही था, जैसे उनके साथ बात हुआ था, मतलब ऐसा जैसे मेरा उनके साथ बात हुआ था व्हाट्सएप में, मोबाइल में, वैसा ही था। रेट भी कुछ ज़्यादा कुछ बाद में डिमांड वगैरह नहीं किया, ठीक ठाक ही था, सब कुछ ठीक ठाक था। वैसे टूर एजेंसी तो ठीक ठाक है। और अगर आप लोग मुझे पूछेंगे कि आप कहाँ से बुक करें, देन आई विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट नेम कि आप यहाँ से बुक करें, क्योंकि अगर आप बाद में डिजर्वेंट होंगे देन ही विल ब्लेम मी। द थिंग इज, देखिए सुंदरबन का जो ट्रिप होता है ना, बहुत सारा टूर एजेंसी है, और फूड का मामले में, होटल का मामले में, साइट सीन का मामले में, ये तीनों 98% सेम है। वो जगह ही एक सुंदरबन डेल्टा जो है, इतना सा जगह है, तो सब कुछ आपको सेम है। कोई आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखा देगा। जंगल का अंदर आपको कोई नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसके लिए परमिट वगैरह चाहिए होते हैं। मैंने लोकल लोगों के साथ बात किया है, आपको मेरा व्लॉग पे दिखेगा, कि उन लोगों ने भी बोला है कि ना अंदर में परमिट नहीं करता। सो देखने का चीज़ सेम, खाना भी लगभग सेम। सो आप एक काम कीजिए, आप दूसरा भी यूट्यूब भी वीडियोज़ वगैरह देखिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर दे दूँगा, 3-4 नंबर दूँगा, आप फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, बात करके जो अपने लिए अपना एक टूर पैकेज बुक कीजिए, जो आपको सबसे कम में बोलते हैं आप उसके साथ जा सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम ही होता है। और वहाँ का सिस्टम ऐसा है, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, 4500 का आसपास। डबल जा रहे हैं तो 4000 to 4200। ट्रिपल और फोर शेयरिंग जब होगा तब आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। मेरा केस में हम लोग 3 लोग गए थे, हम लोगों को लगा था 3250 रुपये एक जन का।
सो इट वॉज़ अ गुड डील। अगर हम लोग चार होता तो हम लोग को 3,100 में शायद हो जाता, सो ये डिपेंड करता है। आप लोग वैसे ही इंक्वायरी कीजिए, बात कीजिए, आपको जो ठीक लगे, जो आपको सही लगे, प्राइस सबसे कम लगे, आप उसी के साथ ही जाइए। एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा आप यहाँ पर जाना है आपको, बाकी क्योंकि सब कुछ सेम ही होता है। अभी चलिए हम लोग बात करते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है बोला वो है हमारा कि बेस्ट सीजन टू विजिट सुंदरबन। ठीक है, ऐसा कुछ सुंदरबन विजिट करने के लिए जो है ऐसा कुछ एक मतलब बेस्ट सीजन बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक अगर आप लोगों को बहुत पानी देखना है, अगर आप लोग को ग्रीनरी वेजिटेशन देखना है, देन दिस इज़ द परफेक्ट सीजन, रेनी सीजन। और जानवर का देखने का चांसेस थोड़ा कम है, मतलब इन द सेंस ऑफ टाइगर्स एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा कम है। मेटिंग सीजन जो होता है वो होता है फेब्रुआरी में मार्च में टाइगर्स का, तो उस टाइम पे थोड़ा आपको ज़्यादा चांसेस है टाइगर्स दिखने का। और अगर आप लोग विंटर का सीजन में जा रहे हैं तो जो आपको बहुत सारा फॉग दिखेगा, व्यू इतना अच्छा नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ द फॉग। और आप एंजॉय करेंगे बोट पे, खाना और लोगों के साथ जाएंगे, बस वही सब एंजॉय वगैरह होगा। अभी आप जाएंगे तो आपको दूर दूर तक जो है व्यू अच्छे मिलेगा, क्लियर है स्काई। हाँ, बारिश है, तूफान है, आप तूफान का तो बात ही मत कीजिए। हम लोग को इतना ज़्यादा तूफान मिला फर्स्ट डे को, जो नाव पूरा ऐसे थे ऐसा हो रहा था, आप ब्लॉग्स में जाके देख सकते हैं कि कैसा हुआ था हम लोगों के साथ। बहुत लोग तो मतलब रो दिया था, ऐसा था। ऐसा ही कुछ है, सीज़न आपके ऊपर डिपेंड है। आपको ठंड का मौसम अच्छा लगता है कि ये रेनी सीज़न अच्छा लगता है, आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। इसमें कुछ अलग नहीं है, बस एक दो जगह का अंतर होता है और खाना अलग हो जाता है। अभी का सीज़न में जाएंगे तो आपको इलिश मिलेगा, और दूसरा सीजन में जाएंगे तो इसको चेंज करके वो लोग गोल्डा चिंगड़ी वगैरह, जो चिंगड़ी का बड़ा वाला होता है ना शिम, सो वो सब ऐड कर देते हैं। खाना चेंजेस होता है, बाकी तो घूमने का सब कुछ सेम है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वो परमिट सेम ही रहता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है फॉर द टूरिस्ट। अलग होता है, हाँ, वहाँ का लोकल लोगों के लिए अलग होता है, उन लोगों का फिशरमैन कार्ड होता है, वो लोग अंदर अंदर जा सकते हैं सुंदरबन का जंगल का, बट यू कैन नॉट गो। टूरिस्ट का अलग परमिट होता है और आपका अलग होता है। इवन यू हैव टू सबमिट ए कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड, हाँ, तभी आपका पास बनता है, वो सब आपका एजेंसी कर देगा। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है। सो ऐसा कुछ था। और एक कुछ एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा अबाउट योर सुंदरबन की, अगर आपको उल्टी का प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव सम इशूज विथ योर विथ वॉमिटिंग, देन यू शुड कैरी सम एंटीबायोटिक्स टेबलेट कि वॉमिटिंग ना हो आफ्टर कंसल्टिंग योर फिजिशियन। क्योंकि मेरा बोट में बहुत लोगों को है ना वॉमिटिंग हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो है बोट पूरा वेव के साथ टकमगा रहा था ना, इसी वजह से वॉमिटिंग भी हुआ था। सो अगर नहीं है देन इट्स फाइन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट सुंदरबन। मिलते हैं आप लोगों के साथ नया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।